हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस नाइ नर्सिंग क्लासेज। मैं एमएल सैनी स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जस्ट अभी मैंने वेबसाइट चेक किया एम्स भुवनेश्वर का, वहां पर उन्होंने नॉर्थशेड 2020 का वेटिंग लिस्ट अपलोड किया है। जी हाँ, नॉर्थशेड 2020 का वेटिंग लिस्ट, जो एम्स भुवनेश्वर की जिन्होंने चॉइस भरी थी 2020 नॉर्थशेड के जब काउंसलिंग के टाइम पर, तो उस चॉइस के अकॉर्डिंग जिन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, तो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है। तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो आपको नॉर्थशीट 2021 में जो ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि पूरा 2022 में कभी भी अगले नॉर्थशीट तक वेटिंग लिस्ट आती रहती है, इसलिए आपका बाद में सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, ये जो PDF मैंने डाउनलोड की है, ये एम्स भुवनेश्वर की इस वेबसाइट से डाउनलोड की, आप भी वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपने आपका इसमें वेटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है, अगर आपने एम्स भुवनेश्वर चॉइस भरी है तो। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सेकेंड राउंड सीट एलोकेशन थ्रू नॉर्थशीट 2020 आफ्टर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, जो इस लिस्ट में लगभग कैंडिडेट्स कितनों का सिलेक्शन हुआ है, 89 का। ठीक है, इन सभी 89 कैंडिडेट्स को, इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को MHNC की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है, वो भी आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अब वापस फाइनली डॉक्यूमेंट जो DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहाँ पर, वहाँ पर बुलाया आपको जो एम्स इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरी अपडेट के लिए आप ये ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट करते रहें। जिन भी इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ये देख सकते हैं 89 स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कितनी रैंक वालों तो का सिलेक्शन हो रहा, 7-7, 8-8 हज़ार रैंक वाले, किसमें, SC ST कैटेगरीज में। देखिए यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, देखिए 5-5 हज़ार भी रैंक तक का क्या बोलते हैं OBC नॉन क्रीमिलियर वगैरह रैंक में। तो आपको ये बात ध्यान कर रखनी है, कितनी भी आपकी रैंक हो, 5,000, 7,000, 8,000, 4,000, 5,000, आपको सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर सॉरी ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है नॉर्थशीट 2021 की। पूरे साल भर कभी भी कोई भी एम्स वेटिंग लिस्ट निकालता रहता है, तो आपका बीच में कहीं पर भी सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, ये सब करने के बाद आपको डिपेंड नहीं होना कि मेरा सिलेक्शन 2021 नॉर्थशीट में हो गया नहीं हुआ, या हुआ जब तक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपको यही मानकर चलना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभार वैकेंसियां अटक जाती है, रिजल्ट भी आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो भी ज्वाइनिंग लटक जाती है। तो जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लो तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं मानना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका नॉर्थशीट 2021 के बाद में आगे के एग्जाम्स की आपको रेगुलर प्रिपरेशन करनी है, जिनकी रैंक कुछ ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स को अभी बैठना नहीं है, आपको रेगुलर अपनी स्टडी प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक है दोस्तों, फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज़।